नगर परिषद बरेली के वार्ड क्रमांक 10 से महिला पार्षद पद हेतु शिक्षित एमए सरल सहज लग्नशील कर्मठ ईमानदार और योग्य निर्दलीय प्रत्याशी श्रीमती सारिका नवीन जैन को चुनाव चिन्ह के एक बैलेट नंबर 3 के सामने वाली बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाए। जन जन का सम्मान करेंगे, वादा नहीं विकास करेंगे। आने वाली 6 जुलाई को है मतदान, केक पर ही लगे निशान। युवाओं का साथ, बुजुर्गों का आशीर्वाद, छोटों का प्यार मिलकर दे साथ, तभी होगा वार्ड का विकास। सेवा जिसका धर्म है, संघर्ष हमारा कर्म है, सेवा भाव हमारी पहचान, केक है हमारा निशान। मतदान दिनांक 6 जुलाई 2022, समय प्रातः 7 सायं 5 बजे तक। हमारा संकल्प, वार्ड में गार्डन, वार्ड में क्लिनिक, घर घर नल, रोज सफाई, वार्ड में लाइट की व्यवस्था, रोड निर्माण, नाले की व्यवस्था, राशन कार्ड घर पर ही बनकर मिलेगा, प्राइवेट कोटे से गरीब बच्चों को निशुल्क शिक्षा और अन्य भी। आदर्श वार्ड बनाएंगे, योग्य ईमानदार को जिताएंगे। निवेदक मित्र मंडली बरेली। नगर परिषद बरेली की वार्ड क्रमांक 10 की आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं, अब आप नगर वार्ड के लिए क्या क्या काम करेंगे? मैं नगर के वार्ड नंबर 10 में जो सबसे गंभीर समस्या है वो सड़क की समस्या है। यहाँ की सड़क बहुत ही मतलब गंदगी रहती है, प्रॉपर अंडरग्राउंड पाइपलाइन नहीं है जिससे पानी बहता रहता है, गंदगी रहती है, उसको मैं सफाई में विशेष रूप से ध्यान देना चाहूँगी और उस समस्या का मैं निवारण करना चाहूँगी जिससे सड़क साफ और स्वच्छ रहे। मैं इस समस्या को सबसे पहले सॉल्व करना चाहूँगी। पार्षद रहे? जी हाँ, मेरे ससुर साहब सर्विस सुरेश चंद जी जैन, वो पूर्व पार्षद थे, उन्होंने वार्ड का काफ़ी विकास किया और वो विकास करते करते उनका सपना पूरा नहीं हो सका। उन सपनों को पूरा करने के लिए मैं अब जनता का सहयोग करना चाहती हूँ और उनका मदद करना चाहती हूँ। मुझे जैन समाज का संपूर्ण समर्थन एवं अन्य समाज का भी संपूर्ण समर्थन प्राप्त है, जो क्योंकि वार्ड नंबर 10 एक बाहुल्य जैन समाज का समर्थन करता है। पूरा समाज मेरे साथ है, पूरा अन्य समाज मेरे साथ है और मैं इसलिए निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में खड़ी हूँ। मैंने भारतीय जनता पार्टी का टिकट मांगा था लेकिन वो किसी कारणवश कंफर्म नहीं हुआ, इसलिए मुझे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपना पद बनाने की कोशिश कर रही हूँ।